तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द माई न्यू वीडियो। तो गाइज यार आज की इस वीडियो में बात करेंगे 15,000 के अंदर में आने वाले 3 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जिनका कि कैमरा काफ़ी टॉप लेवल का है और मैंने इनको रैंक किया है इनके कैमरा की फोटो की क्वालिटी और वीडियो को क्वालिटी को देखते हुए। इसीलिए मैंने जो पहले नंबर पर फ़ोन रखा है वह काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है और उसमें काफ़ी अच्छा कैमरा है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को उसी को बाय करना चाहिए। खैर बात करेंगे तीनों स्मार्टफोन के बारे में, तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे कंटेंट आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तीसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो गाइस मैंने जो तीसरे नंबर पे स्मार्टफोन रखा है ये है रेडमी की तरफ से रेडमी 12 5G। चलिए बात करते हैं इस फोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो बैक के साइड में इस फोन में आपको मिलता है डुअल कैमरा सेटअप जिसमें कि 50 मेगापिक्सल का 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और इसके फ्रंट में आपको सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरे से आप मैक्सिमम फुल HD 30 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और नॉर्मल कंडीशन में काफ़ी बढ़िया फोटो निकल करके आते हैं, कलर वगैरह काफ़ी सही रहते हैं और स्किन टोन भी काफ़ी सही रहती है। बाकी फ़ोन के कैमरा के कुछ अदर फीचर के बारे में बात किया जाए तो पोर्ट्रेट मोड, टाइम लैप्स, ये सारा का सारा फीचर दिया गया है और बहुत सारा फिल्टर भी दिया गया है कैमरा के एप्लीकेशन में ही फोटो को क्लिक करने के लिए। चलिए बात करते हैं कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। 6.79 इंचेस की एक फुल HD प्लस IPS LCD वाली पैनल दी गई है जिसमें कि 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 500 nits तक का पिक ब्राइटनेस दिया हुआ है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी प्राइस के अनुसार से ठीक ठाक दिया हुआ है और प्रोसेसर इसमें काफ़ी तगड़ा मिल जाता है। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 जो कि एक 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर में बना हुआ है और इसमें आप लोग जो है मीडियम लेवल का गेम प्ले भी कर सकते हो, उसके साथ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी डेली लाइफ यूजेस मल्टीटास्किंग में आपको कोई दिक्कत लेकर के यह स्मार्टफोन नहीं आएगा। 5000mAh की एक बड़ी बैटरी दी हुई है और उसको चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में 18W का चार्जर दिया हुआ है जो कि 2 घंटे से ऊपर लगेंगे बैटरी को फुल चार्ज होने में, लेकिन आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा और ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के ऊपर में मिलता है। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर वाले फोन के बारे में। और गाइज मैंने जो दूसरे नंबर पे स्मार्टफोन रखा है ये स्मार्टफोन है रियलमी की तरफ से रियलमी 11X 5G। इस फोन में भी बैक के साइड में आपको मिलता है डुअल कैमरा सेटअप जिसमें कि 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर दिया हुआ है और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरे से आप मैक्सिमम फुल HD 30 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और फोटो जो है इसमें काफ़ी बढ़िया निकल करके आते हैं, पोर्ट्रेट मोड में भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया फोटो निकल करके आते हैं इसके। और कैमरा के कुछ अदर फीचर के बारे में बात किया जाए तो स्लो मोशन, प्रो मोड, पैनोरमा मोड, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल है और ये तीसरे नंबर वाले फोन से कैमरा की क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया हो जाती है। और अगर कुछ अदर फीचर के बारे में बात किया जाए तो इस फोन में आपको 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD वाली पैनल दी गई है, 120Hz का हाइयर रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 680 nits तक का पिक ब्राइटनेस दिया हुआ है और अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो प्रोसेसर इसमें दिया हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर जो कि एक 6nm फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर में बना हुआ प्रोसेसर है। 4,28,000 के करीब इसका अंतुतु स्कोर आता है तो ओवरऑल आपको डेली लाइफ यूजेस मल्टीटास्किंग हैवी यूजेस में कोई दिक्कत लेकर के नहीं आएगा और आप लोग जो है मीडियम सेटिंग पे गेम प्ले, बैटल ग्राउंड गेम वगैरह भी प्ले कर सकते हो, उसके साथ भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर फोन के कुछ अदर फीचर के बारे में बात किया जाए तो ब्लूटूथ वर्जन 5.2, 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया हुआ है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया हुआ है जो कि काफ़ी फास्ट काम करता है और ये फोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के ऊपर में मिल जाएगा। और अगर बैटरी की बात की जाए तो 5000mAh की एक बड़ी बैटरी दी हुई है, उसको चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में 33W का चार्जर दिया हुआ है तो 1 घंटे से ऊपर लगेंगे बैटरी को फुल चार्ज होने में, लेकिन आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा। तो गाइस फाइनली बात करते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो ये फोन है वीवो की तरफ से वीवो T2 5G। इस फोन में भी आपको बैक के साइड में डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है लेकिन इसके बैक के साइड में आपको जो मेन कैमरा दिया हुआ है 64 मेगापिक्सल का, उसमें आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है। 15,000 के अंदर में OIS का सपोर्ट दिया हुआ है तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया हुआ है और फ्रंट में सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल का 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है और दोनों ही कैमरे से आप मैक्सिमम फुल HD 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी जो मैंने 2 स्मार्टफोन बताया उसमें 30 FPS तक था लेकिन आप लोग इसमें फुल HD 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और नॉर्मल कंडीशन में फोटो जो है काफ़ी बढ़िया निकल करके आते हैं, रियल फोटो निकल करके आते हैं। और फोन के कुछ अदर फीचर के बारे में बात किया जाए तो डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रो मोड दिया हुआ है, पोर्ट्रेट मोड दिया हुआ है और जो पोर्ट्रेट मोड दिया हुआ है उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, बाकी नाइट मोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस फोन के कैमरे की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। बाकी फोन के कुछ अदर फीचर के बारे में बात करते
करते हैं तो 6.38 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड वाला पैनल दिया गया है। इसमें आपको एमोलेड पैनल मिल जाती है और उसी के साथ इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 1300 निट्स तक का पिक ब्राइटनेस दिया हुआ है और डिस्प्ले में HDR 10 प्लस वाइड बैंड 11 ये सब कुछ का सपोर्ट मिल जाता है। और अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो पावरफुल प्रोसेसर दिया हुआ है इसमें स्नैपड्रैगन का स्नैपड्रैगन 695 जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है इस रेंज में। 6nm फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर में बना हुआ है, 4 लाख के करीब इसका तो स्कोर आता है। इसमें आप लोग बैटल ग्राउंड गेम वगैरह भी लंबे टाइम तक खेल सकते हो, उसके साथ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी 4500mAh की एक बड़ी बैटरी दी हुई है, बड़ी तो इसको नहीं कह सकते हैं, थोड़ी सी कम है। बाकी 44W का चार्जर दिया हुआ है जो कि 50 मिनट में बैटरी को फुल चार्ज कर देता है, तो मतलब कि चार्ज काफ़ी जल्दी हो जाएगी, लेकिन आपको दिन में हो सकता है कि 2 बार चार्ज करनी पड़े। तो गाइस मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।